हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी और एसपीजी सुरक्षा। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होती है जेड प्लस जेड वाई एक्स सुरक्षा कैटेगरी, यह एसपीजी सुरक्षा से कैसे अलग है, जानिए सब कुछ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है, उनसे एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एसपीजी की सुरक्षा और जेड प्लस की सुरक्षा में क्या अंतर है। आइए जानते हैं दोनों के बीच अंतर को। नई दिल्ली, देश भर में वीआईपी लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उन्हें अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि किस प्रकार की सुरक्षा बड़े नेताओं और अधिकारियों को दी जाए इसका निर्धारण सरकार करती है। खुफिया विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिली एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा हटा दी गई, अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था क्या है जो मनमोहन सिंह को पहले मिली थी और अब जो जेड प्लस सुरक्षा मिली वो एसपीजी से कैसे अलग है। साथ ही देश में अन्य सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या है। भारत में सुरक्षा व्यवस्था, दरअसल भारत में सुरक्षा व्यवस्था को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जेड प्लस उच्चतम स्तर, जेड प्लस, जेड वाई और एक्स श्रेणी। सरकार इस बात का निर्णय ले सकती है कि इन चार श्रेणियों में से किसे कौन से स्तर की सुरक्षा देनी है। सरकार खतरे के आधार पर यह वीआईपी सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद, विधायक, परिषद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक किसी को भी दे सकती है। एसपीजी सुरक्षा क्या है। यह देश में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है जो वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। एसपीजी देश के सदस्यों को दी जाती है। एसपीजी देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाते हैं। विशेष सुरक्षा दल स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप एसपीजी 2 जून 1978 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र का विशेष सुरक्षा बलों में से एक है। इन जवानों का चयन पुलिस पेरिमिलिट्री फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ से किया जाता है। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन है। एसपीजी देश की मंत्रालय के अधीन है। एसपीजी देश की सबसे पेशेवर और आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। ये जवान एक फुली ऑटोमेटिक गन FNF 2000 स्टॉल्स राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट बैट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। एसपीजी के जवान अपने आंखों पर एक विशेष चश्मा पहने रहते हैं, इससे उनकी आंखों को हमलों से बचाया जाता है। साथ ही वह किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते हैं। आखिर में बता दें कि एसपीजी एक हमलावर फोर्स नहीं बल्कि रक्षात्मक फोर्स है। किसको मिलती है एसपीजी सुरक्षा और कब हुआ इसका गठन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है। प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी कुछ वक्त के लिए यह सुरक्षा मिलती है। दरअसल 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष दल के जिम्मे होती थी। इसके बाद अक्टूबर 1964 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद समीक्षा सचिवों की एक समिति ने तय किया कि प्रधानमंत्री को एक विशेष समूह के अधीन सुरक्षा दी जाए। इस पर 18 फरवरी 1985 को गृह मंत्रालय ने बीरवल नाथ समिति की स्थापना की। मार्च 1985 में बीरवल नाथ समिति ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU के गठन के लिए
सिफारिश को प्रस्तुत किया। इसके बाद 8 अप्रैल 1978 को एसपीजी अस्तित्व में आया। क्या है जेट प्लस सुरक्षा? जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा देश के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद दूसरे नंबर की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था में 55 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। 55 लोगों में 10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी परत एसपीजी कमांडो की होती है। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी जेट प्लस सुरक्षा श्रेणी में सम्मिलित रहते हैं। साथ ही जेट प्लस सुरक्षा में एक्स स्टॉक और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। जेट श्रेणी की सुरक्षा, जेट श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इनमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। 22 श्रेणी की सुरक्षा, यह सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है। कम खतरे वाले लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है। इसमें कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 2 कमांडो तैनात होते हैं। एक्स श्रेणी की सुरक्षा, इस श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक पीएसओ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है। देश में काफ़ी लोगों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इस सुरक्षा में कोई कमांडो शामिल नहीं होते। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें।